नमस्कार, मैं प्रताप कुमार उज्जवल आज आप लोगों से एक आग्रह करने के लिए आया हूं कि आप देखिए हमारे पीछे जो भी पुलिस कर्मी हैं कितने तत्परता से अपने कार्य को कर रहे हैं। अबर 15 अगस्त के शुभ अवसर पे जब आप हर घर पे तिरंगा फहराएंगे, उस दौरान या कभी भी साल में आपको जहाँ भी ये पुलिसकर्मी अपने तटस्थता से अपने कार्य को करते हुए मिलते हैं, उन्हें आप अपने तरफ से जय हिंद जरूर बोलें। मेरा ये आप सबों से आग्रह है। और देखिए, मैं जब इधर से गुजर रहा था तब भी उनके कार्य पद्धति को देख रहा था, वो यहाँ पे खड़े हैं तब हम इस राह पे चैन से चल पा रहे हैं, शांति से चल पा रहे हैं। कभी कभी लोगों को लगता है कि वे पत्थर दिल हैं, लेकिन जब शरीर पे वर्दी चढ़ती है और वर्दी के अंदर में जब किसी का शरीर होता है तब मजबूरियां होती हैं उसके पास और लोगों को संभालना पड़ता है। इसीलिए आज मैं आप सबों से आग्रह कर रहा हूं कि जहां भी देश के जवान या बॉर्डर पे हों या फिर शहर में कार्यरत हों, आप जहां भी मिले पुलिसकर्मी हों या फिर आर्मी के जवान हों, आप उन्हें जय हिंद जरूर बोलिए। उनके भी दिल को तसल्ली मिलेगा, कहीं ना कहीं उनकी कार्य पद्धति में और भी सुधार आएगी। आप देखिए उनके कार्य को किस तरह से वो निर्भीकता से तटस्थ होके बीच राह में खड़े होकर के अपने कार्य को कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, तभी आपका इस राह पे शांति से चल पाना संभव हो पा रहा है। या तो ट्रैफिक बढ़ेगी और आप परेशानी आपको होगी, इसलिए एक बार जो भी जवान आपके सामने नजर आए उन्हें जय हिंद जरूर बोलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।